अरे वाह वाह वाह, स्कूल का कपड़ा माँ तो हमारी बिटिया बहुत ही बड़का अफसर लग रही है। सच? हाँ, पता है हर वर्दी का अपना महत्व होता है, स्कूल का कपड़ा का भी। इस सबका नसीब में नहीं होता है, इसलिए इसका आदर सम्मान करना चाहिए। अरे तुम्हारे बाबा को तो तुम्हारा भविष्य अभी से ही बहुत उज्जवल लग रहा है, देख लेना एक दिन हमारी राजकुमारी बहुत ही बड़का अफसर बनेगी। बनेगी ना? हाँ बाबा, हम तो अलट पलट चलट करके ऑफिसर बन जाएंगे। हाँ, हमको तो लगता है वो बड़ा ऑफिस में बैठने वाली मैडम नहीं जज, डॉक्टर, कलेक्टर। हाँ कलेक्टर। क्यों राजकुमारी जी, हाथ में का मेहंदी लगाई हो? नहीं बुआ। चलो चलो जल्दी करो, मेहमानों का स्वागत का हाथ में झाड़ू लेके करोगी? और सुनो, जरा एक बाल्टी गर्म पानी लेके आ जाना। गर्म पानी? आहा, अब ये मत कहना बुआ जी, हमको तो पानी गर्म करना भी नहीं आता। जल्दी कर। सीधी लाइन, सीधी। ये स्कूल के बाहर कैसे? ये लो बिटिया। अरे पायल बिटिया, पैसा? काका, पैसा कल दे देंगे। अरे बिटिया, तुम्हें तो पता है हम उधार नहीं देते। जाओ जल्दी अपनी दादी से लेकर आ जाओ। काका, दादी तो अभी भी बीमार है। आप एक काम करो ना, आप घर जाकर बुआ से पैसे ले लो। बुआ? नहीं नहीं, तुम एक काम करना, कल ही दे देना। रुको। मास्टर जी, ये स्कूल के बाहर कहाँ घूम रही हो? अब समझ में आया आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का मतलब क्या होता है। यहाँ मास्टर जी और घर में बुआ। कुछ बोलोगी? अब क्या बताया हम आपको मास्टर जी? ये बताओ, आज स्कूल काहे नहीं आई? आज? आज का? अब तो कल परसों नरसों तरसों हम कभी भी स्कूल नहीं आएंगे। दादी, तुम कैसे अलट पलट चलट करके ही चूल्हा जलाती हो, हमसे तो जल ही नहीं रहा। दादी से मिट्टी के तेल से जलाती, हम भी वही करेंगे। कार ले आओ। चुप। ए बड़की चुईया, कहाँ मर गई? Thank you.
रख। तेरे को का गरम पानी और ठंडे पानी में फर्क नहीं पता, जाके ठीक से गरम करके आओ। और अगर ज्यादा गरम या ठंडा हुआ ना तो सोच लेना कि हमारे दिमाग की गर्मी तुम्हारा क्या हल करेगी। भागो यहाँ से। जब तक पानी गर्म हो रहा है दादी को देख कर आते हैं। दादी आज तुम्हारा माथा ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है, लगता है तुम ठीक हो रही हो। पता है आज शहर वाले डॉक्टर तुमको देखकर क्या बोले? वो बोले कि तुम्हारा बुखार कम हो रहा है, और वो ये भी बोले कि तुम्हें जो दवाई मिलती है ना उससे तुम्हें नींद आएगी, इसलिए तुम सोती हो। उठ जाओ ना दादी, हमें तुम्हारे साथ हंसना है, तुम्हारे साथ बात करना है। अरे कौन से बिल में छिप गई ना चुईया? हे अम्बे माँ। पानी बहुत ही गर्म हो गया है, ठंडा पानी मिलाना होगा। ए बिंदिया, पानी गर्म हुआ के नहीं? पता नहीं का है, हर काम में इतना देर लगाती है दोनों बहनें, इस चक्कर में हमारी फूलों का फाड़ा चढ़ जाता है। देखते हैं कहाँ चली गई। एक बच्चा लोग को भी ना बड़ा हड़बड़ी रहता है, पानी गर्म करके पता नहीं कहाँ चली गई। अब हमको उठा के ले जाना पड़ेगा। देखा ना ये दोनों बहनों का हाल, वो कहते हैं ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, बिल्कुल सही कहा। फुल्लो का कहा तुमने, समझाओगी? आप देख नहीं रहे का? एक छुटकी चुईया गई है बाजार सब्जी लेने के बहाने, पूरा सैर कर रही है, और बड़की चुईया आपसे काम करवा रही है। नहीं, पैर मत डालो, बहुत ही ज्यादा गर्म है पानी, हम ठंडा पानी ला रहे थे। अच्छा तो तुम हमसे बदला लेने का प्लान बनाई थी, हम तुमको स्कूल नहीं जाने दिए तो तुम सोची बुआ के पाव का वो हाल करते हैं कि बुआ फिर चलने फिरने लायक भी ना बचे। नहीं बुआ, हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते, और माँ बाबा कहते थे बदला लेना बहुत ही बुरी बात होती है। अरे वाह, 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पहले हमको गिराई तो चाबी चुरा ली, फिर हमको गोबर में गिरा के हम पे खिकिया के हंसने लगी है। आज तो हमको मारने ही वाली थी, वो तो शुक्र है हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि भगवान ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं आज हमारा क्या होता। नहीं नहीं, हम ठंडा पानी मिलाने वाले थे, फूफा जी गर्म बाल्टी ले आए। बिंदिया, अपनी गलती हम पर काहे थोप रही हो? कितनी प्यारी बुआ है तुम्हारी, इनको तकलीफ देती हो तुम्हें बुरा नहीं लगता? देख लड़की, तुमको हम पहले ही बोले थे कि पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना गरम। अब देखना बुआ की बात ना मानने का अंजाम। We'll be right back.
मास्टर हो मास्टर बन के रहो, ज्यादा मुखिया बनने की कोशिश मत करो। अन्याय को रोकने के लिए मुखिया बनने का क्या जरूरत है, इंसान है वही काफी है। अरे तो हम का शैतान है? पता नहीं मगर ये हरकत शैतानों वाली थी। कहा बोले? और कहा, काकी कलेजे से लगा के रखती थी बच्चों को, एक खरोस नहीं आने देती। और आप क्या कर रहे थे आप बिंदिया के साथ? पराए हो पराए बन के रहो, ज्यादा अपनापन झाड़ने की कोशिश मत करो। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि हम तो पराए हैं, फिर भी इन बच्चों का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। अरे आप तो बुआ हो, सगी बुआ हो ना, काहे इन बच्चों का उनसे बचपना छीन रही हो? अरे भगवान ने इनसे जो छीना वो कम है का? अरे आपका खड़े खड़े प्रवचन सुन रहे, बंद कीजिए मास्टर का बकर बकर। शांत हो जाइए मास्टर जी, हमारी फुल्लो लाखों में एक है। जितना सुंदर तन उतना सुंदर मन, वो जो करती है बिल्कुल सही करती है। अच्छा, बच्चों का हंसना खेलना पढ़ना लिखना खेलना कूदना बंद करवा देना, ये कहा कि अच्छा ही है भीम जी। और सुनिए, आधी रात को बच्चों को घर के बाहर निकाल दिया गया, उन्हें भूखा रखा गया, स्कूल जाने से रोक दिया गया, और अब ये भगवान हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। तो काहे बोल रहे हैं? एक बात बताइए मास्टर जी, ये बात तुमको कहां से पता चला? घर में जो चल रहा है ना पायल बिटिया, हमको सब बताइए। हाँ देखा। ए मास्टर, ज्यादा भाषण देने का शौक है ना, तो एक माइक लो और जाओ, निकल जाओ चौक चौबारे पे। कभी जो इलेक्शन में खड़े होगे ना, तो भीख के दो चार वोट भी मिल जाएंगे। ये हमारा घर है, यहाँ हम किसी को भौंकने नहीं देंगे। कितना ही बड़ा दयावान हो ना, तो ले जाओ बच्चियों को अपने साथ और रखो, तभी समझ में आएगा। का हुआ मास्टर जी, सांप सूं गया का? का है ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है मास्टर जी। और जो कर नहीं सकते ना, ज्यादा भाषण भी मत दीजिए। चलिए तफा होइए यहाँ से, नहीं तो ऐसा इज्जत उतारेंगे ना कि भाषण देना तो दूर, स्कूल में पाठ पढ़ाने लायक नहीं बचोगे। निकलो। हमको पाठ पढ़ाने आया था, बच्चा समझाए। देख ली ना, तुम जैसा अनाथ बच्चियों का बोझ कोई नहीं उठाना चाहता। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बुआ हम है। हेलो जी, आप चिरैया पहुंच गए? जी जी जी, बस उसी के आगे एक स्कूल है, उसी से थोड़ा सा आगे 2 मील की दूरी पर आपको एक पीला सा मकान दिखेगा, वहाँ ना एक गाय भी बंदी होगी मोटी सी। नहीं, वो हमारा घर नहीं है, बस उसी के थोड़ा सा आगे आइए कोने में, बस वही हमारा घर है। जी बस वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। उनका स्वागत ऐसा भूत जैसा बन के करोगी? चलो जाओ अपना कपड़ा लगता बदलो और इंसान बन के वापस आओ। जाओ। ये कौन सा मेहमान है बिंदी? पता नहीं पल्लू। ये हमारी बड़की चूही, अब बड़की बिंदिया, और ई हमारी चुटकी, हमारी बेचारी पायलिया। बहुत ही गुनी लड़कियां हैं दोनों। अब हम आपको क्या बताएं, छोटी सी उम्र में जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है ना, तो बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। और अब हमारी अम्मा चाहे बूढ़ी हो गई है, उनसे तो ज्यादा काम होता नहीं है, तो इन दोनों ने ही घर के सारे काम का बेड़ा संभाला हुआ है। बिंदी, बुआ के शरीर में किसका आत्मा घुस गया? बुआ को अच्छा बोलना भी आता है? पल्लू, लगता है इनको मास्टर जी का बात समझ आ गया, जैसे हम झट से समझ लेते हैं। तुम लोग स्कूल जाती हो ना? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? बोलो ना, बोल काहे नहीं रही हो? जाती है ना, जाती है। पर ये दोनों चुप काहे है? अब आप ही बताइए ना, कौन सा बच्चा है जिसको स्कूल और पढ़ाई लिखाई का बात अच्छा लगता है? मतलब जो स्कूल जाते हैं तो ऐसे धीमे धीमे चल के जाते हैं, और जब लौटते हैं तो बस ऐसे ऐसे दौड़ के लौटते हैं जैसे फिर कभी स्कूल जाना ही नहीं है। ओ हाँ, ये तो है।
अच्छा ये बताइए क्या पीजिएगा, चाय या ठंडा? ठंडा ही मंगा देते, गर्मी भी बहुत हो रही है ना। हम अभी लेकर आते हैं। बिटिया जरा जाओ तो बगल वाली दुकान से 3 नींबू सोडा ला। बुआ जी हम जाएं या पल्लू? अरे अकेले काहे जाओगी, जाओ जाओ पायलिया को भी लेके जाओ। बहुत ही संस्कारी बच्चियां है। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने व्यवस्था कर ली है ना? अब हमसे जितना बन सका उतना तो कर ही लिए हैं। बिंदी एक एक बोतल हम दोनों पी लेते हैं ना? नहीं पल्लू, बुआ को अलट पलट चलट करके पता ही चल जाएगा। अरे बोल देंगे कि एक बोतल रास्ते में गिर गई थी। पल्लू झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी माँ कहती थी झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जो भी झूठ बोलेगा उसे सांप डस लेगा। फिर जो सबसे बड़ा सांप बुआ को ही डसेगा, कितना झूठ बोलती है ना बुआ। हम फिर भी नहीं बोलेंगे, मान जाना बिंदी। और वैसे भी आज बुआ खुश लग रही है, हो सकता है वो हमें ना डांटे। और देखा ना वो मेहमानों के सामने हमसे कितना अच्छे से बात कर रही थी, काश वो मेहमान हमारे घर से कभी ना जाए। खाओ बिंदी बताना। Hey, विनोद बहन जी को वीडियो कॉल करके दिखा दो ना। देख रहे कितना सारा पैसा है इनके पास, पूरा का पूरा सलीम अपने हाथ में लेके घूम रहे। अरे बहन जी को वो जगह दिखा दीजिए। जी जी भैया जी अभी दिखाते हैं। जी जी पकड़ लीजिए। अरे बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। शाबाश। अरे उठो अब इनको बताओ हमारा घर कितना सुंदर है। अरे बोलो। घर सुंदर है। वो क्या है ना बच्चे हैं, मैं लोग को देख के शर्मा जाते। सही बात है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बिंदिया और पायल का ना स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। वैसे भी हमारा आश्रम दूसरे अनाथ आश्रम से ना बहुत अलग है। सब ठीक है, और लगता है अब बिल्ली आई थी, चूहे बहुत है बढ़ गए है ना, तो बस शिकार पे निकली होगी। वैसे भी कौन सा उनको लेसेंस लगता है घूमने के लिए। सुनिए लगता है दोनों बच्चियों ने हमारी बातें सुन ली और डर के भाग गई, अब चाहिए उनका कान पकड़ के खींच के लिए चाहिए। अरे वहां कहां जा रहे हैं? वहां जाइए पल, जल्दी जाइए। रुकिए चूहों को पैदल पकड़ पाएंगे क्या दिमाग को पैदल आदमी? जे तक लेके जाइए। हाँ सुनिए। हाँ मास्टर जी के घर पे पहले देखिएगा। हाँ
ये की कबड्डी खेलने की जगह है, चलो निकलो यहाँ से। ए बिंदिया पायल, ए बच्चो बिंदिया पायल को देखो का। अच्छा ए बिंदिया, ओ पायल। भिंडी, अब और नहीं भाग सकते। भिंडी, हमरे पर बहुत बहुत ज्यादा दुख रहे। मास्टर जी के घर चलते हैं ना। बल्लू, आज देखी ना मास्टर जी कैसे जिम्मेदारी लेने वाली बात सुनकर चले गए थे। इतना ही बड़ा दयावान हो ना तो ले जाओ बच्चियों को अपने साथ और रखो। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते मास्टर जी, नहीं तो जी से मदद मांग सकते हैं ना। उनसे भी नहीं कह सकते, वो तो बुआ से बहुत ही डरते। अगर आज दादी बीमार नहीं होती तो हमें किसी की जरूरत होती कहाँ। चल नहीं भाग सकते हम। पायल बेटा, देखो तुम्हारे फूफा है बेटा, आवाज दे रहे हैं, आ जाओ। बिंदी, जहरीला सांप हो सकता है यहाँ, इतनी खतरनाक जगह कोई छुपता है का? बल्लू, घर में जब इतना खतरा हो ना तो और कुछ खतरनाक नहीं लगता। पर तुमको डर नहीं लग रहा है का? डर तो लग रहा है पर उतना नहीं जितना घर पे लग रहा था। वो तो है, हमको बहुत अजीब लग रहा है यहाँ। हम जानते हैं बल्लू, लुका छिपी के खेल में भी कोई यहाँ नहीं छिपता, पर हमारे पास कोई दूसरा जगह भी तो नहीं है ना। पर ऐसे कब तक हम यहाँ छिपे रहेंगे? जब तक वो अनाथ आश्रम वाले लोग नहीं चले जाते। देख पल्लू, वो लोग हमारा इंतजार कर करके थक जाएंगे, फिर अलट पलट चलट करके वापस चले जाएंगे। उसके बाद के बाद बुआ हमारा क्या हाल करेगी, वो सोची हो? उतना बुरा हाल भी नहीं होगा जितना दादी और घर को छोड़कर अनाथ आश्रम में हो सकता है।